राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधवा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर महावीर नगर थाने पहुंचे रामगंज मंडी से भाजपा विधायक मदन दिलावर ने पुलिस के व्यवहार से नाराज होकर थाने के बाहर धरना दे दिया और पुलिस पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहीं विधायक के धरने पर बैठने की जानकारी मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंचे और धरने में अपना समर्थन दे दिया। जानकारी के अनुसार दिलावर ने पुलिस को दिए परिवाद में लिखा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधवा ने विद्रोह भड़काने के आशय से प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी तथा अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि अडानी को खत्म करने से कुछ नहीं होगा, मोदी को खत्म करो, ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग किया जिससे बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। डीएसपी अमर सिंह का कहना है कि महावीर नगर पुलिस को दिलावर और नंदवाना दोनों की तरफ से दो परिवाद मिले हैं। फिलहाल दोनों प्रकरणों में जांच की जा रही है। जांच के उपरांत ही दोनों प्रकरणों में कुछ कहा जा सकता है। श्री मदन दिलावर साहब ने थाने पर उपस्थित होकर एक परिवाद प्रस्तुत किया है जिसका अभी अवलोकन किया और उसका परीक्षण कर रहे हैं और इसी दौरान इनके जो समर्थक और श्रीमान विधायक महोदय हैं वो बाहर थाने के बाहर परिसर के बाहर बैठे हैं और अभी हम इसमें जो रिपोर्ट दी है उसका परीक्षण कर रहे हैं कि क्योंकि थाना क्षेत्र में कोई ऐसा अपराध घटित नहीं हुआ है और जो उन्होंने फैक्ट्स दिए हैं उसके बारे में जो भी उनसे दस्तावेज वो ले रहे हैं उनके पास क्या इसके संबंध में साक्ष्य है वो उनसे ले रहे हैं। उनका कहना है एफआईआर दर्ज करने से मना किया जाए। अभी उनका प्राइमा फेसी जो उन्होंने दिए हैं तथ्य दिए हैं रिपोर्ट में उसे संबंधित साक्ष्य तो लेंगे उनसे क्या उनके पास ऑडियो है क्या सीडी है जो भी वो पेश करें। बहुत गंभीर है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी के लिए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं सुखविंदर सिंह रंधावा, उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग में ये कहा है जिसको आम सभा कह सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक थी, बोला मोदी को खत्म कर दो, मोदी को खत्म कर दोगे तभी देश बचेगा, यानी मोदी जी की हत्या करने का षड्यंत्र चल रहा है। इस बात को लेकर के हम महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं। थानेदार और एडिशनल एसपी है ना, एडिशनल एसपी कहते हैं हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। हमने कह दिया एक बार रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे। हमने कहा जी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करने का हमने ऑर्डर दे रखा है, आपकी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन एडिशनल एसपी और थानेदार कहते हैं आप किसी से भी जाके कलवा दो। मुख्यमंत्री कौन होता है दर्ज की करने वाला? यहाँ थाना हमारा है, यहाँ का थानेदार मैं हूँ, यहाँ का एडिशनल एसपी मैं हूँ, मैं कहूंगा जो होगा या मुख्यमंत्री कहेंगे जो होंगे। यानी प्रधानमंत्री की हत्या करने का षड्यंत्र जो चल रहा है उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट हम दर्ज कराने आए हैं। तो ये महावीर नगर थाना जो कोटा है वहां के थानेदार का और वहां के एडिशनल एसपी का ये कहना है हम किसी भी कीर्त पर दर्ज नहीं करेंगे।